दर्पण कुछ में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, जो भी नए नए व्यूवर देख रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और मेरे वीडियो के साथ आप अंत तक बना रहिए, क्योंकि आज जो मैं सवाल लाया हूँ आपका दिमाग का बत्ती जला देगा, इसलिए आप भागिएगा नहीं, जागिए। नो गो अवे, ओनली राइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंसेप्ट इज पावर। बच्चों आइए, हम सिखा रहा हूँ आपको। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का देखिए ए बी, ए बी की लंबाई 20 सेमी है, बी सी की लंबाई 12 सीएम है और ए सी का 16। अब देखिए, या इसको ए सी हम मान लेते हैं कि देखिए यह हो गया 16 और यह हो गया 20, ठीक है। ठीक, अब देखिए हम पहले परिमिति ज्ञात करते हैं। परिमिति बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर का बटा का 2, तो यहाँ हो गया आपको 16 12 और 20 का बटा के 2, तो यानी कि 2 4 है ना, देखिए 2 6 8 है ना, और 8 आयने हो गया कितना, 4 48 48 बटा 2 है ना, कैसे भाई। तो देखे 2 6 8 है ना, 2 2 1 3 1 4 तो हो गया 24 है ना। आप देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया यानी कि उसको कहते हैं, तो होता है इसको अंदर ओवर अंडर रूट, उसके बाद एस एस माइनस ए, फिर छोटी ब्रैकेट एस माइनस बी और छोटी ब्रैकेट एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, पहले तो 24 में से अब देखिए यहाँ पर ही पुट करते हैं हम, 24 घटाओ है ना, 24 में से 12 घटाते हैं है ना, तो कितना आता है 12 और उसको अच्छी 16 घटा देंगे तो बचेगा कितना 8 है ना, और 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 है ना। अब इसका का हम वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 96 ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप बढ़िया सी सवाल को आप समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 2 पर हम ध्यान आकर्षित करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। ट्राई कीजिए कि देखिए 9 तिहाई हो गया 33, तो 11 है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा है जो कि अंक छुपा हुआ रहता है जिसके सहारे ऐसा सवाल को सोल्व किया जाता है। यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही इसमें छुपा हुआ है जो कि आपको मालूम पड़ रहा होगा कैसे है। चलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताने के लिए तैयार हूँ। देखिए कैसे होता है प्यारे, ये कैसे कैसे बना है। तो देखिए यहाँ है 9 गुने 4 कर दिया है और माइनस को 3 कर दिया है, ठीक है। तो 9 4 36 घटाओ 3 लाया 33, तो उसी प्रकार से 11 गुने 4 है ना, और माइनस के कर देंगे 3 है ना, तो 11 4 44 माइनस का 3 तो हो जाएगा 41। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इस जगह कितना हो जाएगा 41। तो हम समझते हैं कि आप इस सवाल को भी बढ़िया से
समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे विद्यार्थी को सूत्र में ऐसा पढ़ने को मिला होगा या बहुत सारे को सर जी समझाए होंगे, बहुत लोग बताए होंगे और बहुत लोग बनाए भी होंगे, और फिर आज उसी को हम बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे आता है। तो देखिए, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बन कैसे आता है, तो साइन का जो होता है फार्मूला, तो देखिए क्या होता है, पी बटा एच है ना, इस पर लग गया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा का होता है चौथी, तो बी है ना बटा के एच, ठीक है। उसके बाद में देखिए पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटा का एच स्क्वायर, एच एच के लघुत्तम निकाले तो एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एच में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भागा देंगे तो वन आएगा, वन से आप पी स्क्वायर में गुना होगा तो पी स्क्वायर हो गया, और बी उसी प्रकार से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भागा देंगे तो वन आएगा, वन से बी स्क्वायर को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा, तो बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कितना, एच स्क्वायर हो जाता है प्यारे, और नीचे में भी एच स्क्वायर है तो दोनों एक मतलब कर जाता है, यह आ गया आपको एक, ये भी प्रूव्ड हो गया प्यारे। तो हम समझते हैं ये सवाल को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और परीक्षा में आने पर आप बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। अब हम इसको पहले साफ करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए बताने जा रहा हूँ है ना, वीडियो छोड़ कर भागिएगा मत, यही मेरा आपसे गुजारिश है, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। योर फ्यूचर ऑफ नॉट ओनली योर पेरेंट्स, योर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड, सो यू टेक केयर। देखिए बच्चों, अब है 500 रुपया मूलधन, कितना है 500, समय 3 वर्ष और दर 10% वार्षिक, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा सब, यहाँ पर ही आप देख रहे हैं। तो उसको क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पर ही आपको 500 है ना, उसके बाद 3, उसके बाद में 10, उसके बाद में बटा का सब क्या है, तो सब हम कर देते हैं प्यारे। ये देखिए सब से दूसरा से दूसरा कट गया, 5 या 15 है 150 है ना, तो साधारण ब्याज आपको 150 आया। तो आप हम समझते हैं ये सवाल को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, आपको मूलधन दिया हुआ है आपको 2000 रुपया, समय 3 वर्ष और दर 10%, इसका भी आपका देखिए सूत्र दिया हुआ है, मूलधन है ना और छोटी ब्रैकेट 12 + 10/100 है ना पावर समय है ना प्यारे बच्चों। तो हमको क्या निकालना है, मिश्रधन है ना, मिश्रधन क्या निकालना है, मिश्रधन, तो 2000 लिख है ना। देखिए सवाल नंबर 5 का उत्तर है ना, मिश्रधन है ना, मिश्रधन बराबर देखिए मूलधन कितना हो गया 2000, 12 + दर कितना हो गया 10/100 और पावर का 3 है ना, तो 2000 है ना गुने अब दादा है कि 100 यानी कि 11/ होगा, 10 × 11/10 × 11/10, ठीक है। आप देखिए इसमें 300 काट दीजिए है ना, कट गया है ना, और 11 से गुना करते हैं तो आता है यह इतना आ गया आपको है ना, और 2 से इसको गुना करते हैं तो देखिए 2 3 × 6 3 × 6
और दुखी दूबो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, है ना, कितना गया, तो इतना आपका उत्तर आ गया। समझ समझते होंगे प्यारे कि आप इस सवाल को भी बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2662 रुपया आ गया। जय हिंद, जय भारत।